हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चार प्रकार के चकना, जिसे आप नमकीन भी कह सकते हैं। यह बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में हम बनाने वाले हैं, क्योंकि हम जीरो ऑयल बनाएंगे और वह भी एयर फ्रायर बेस्ड। तो आप इसे जितना भी खाएं कोई गिल्टी फील नहीं होगी, क्योंकि ये जीरो ऑयल है और बहुत ही टेस्टी, और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है काबुली चना, चने की दाल, मटर और मूंग का मुगर, मूंग की पीली वाली दाल जो कि बिल्कुल बड़ी साइज की है। इन सब को मैंने अच्छे से वॉश किया और 8 घंटे के लिए भिगो दिया था, और वो भी उसमें नमक डालकर। 8 घंटे के बाद मटर का पानी स्ट्रेन करके मैंने इसको कॉटन के नेपकिन पर डालकर इस तरह से अच्छे से पोंछ लिया है, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो सारा निकल गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है अभी इसमें। अब यही प्रोसेस हम सारी चीजों के साथ रिपीट करेंगे। तो ये एक एयर फ्रायर है, तो सबसे पहले हम एयर फ्रायर को सेट करेंगे 200 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे ओपन करते हैं और इसमें मटर डाल देते हैं। एक ही लेयर में हमने सारे मटर को डाल दिया है। अब हम इसे बंद कर देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में एक बार इसे चेक करेंगे और इसे टॉस कर लेंगे। जब तक मटर रोस्ट हो रहे हैं, तब तक हम बाकी दालों को भी पैट ड्राई कर देते हैं। जितना अच्छा ड्राई होगा उतनी ही अच्छी ये क्रिस्पी बनेगी। आपको ध्यान रखना है कि दाल बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छे से आप पैट ड्राई नहीं कर पाते हैं तो इसको 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी आवाज आ रही है। अब वापस इसको बंद कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने हैं। अब इसे चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस इसके साथ चिपके। उसके लिए हल्का सा ऑयल लगाएंगे, जिससे कि मसाले इसमें चिपक जाए। अगर आप बिल्कुल जीरो ऑयल रखना चाहते हैं तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उस पर फिर मसाले चिपकते नहीं हैं। लाल मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, नमक हमने पहले भी डाला है इसीलिए थोड़ा कम ही डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा ऑयल लगाने से आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग भी आ गई है, और मसाला है वो अच्छी तरह से चिपक गया है। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे। तो लीजिए, तैयार है मटर की नमकीन। अब इसी प्रोसीजर को हम दूसरी नमकीन के साथ भी रिपीट करेंगे। छोले साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए हम इसे 3-4 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, यानी 20 मिनट रखेंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे ओवन में भी सेम टेम्परेचर पे सेम टाइम पर बना सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके पास ओवन भी नहीं है तो आप इसको कढ़ाई में डालकर रोस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, पर उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, और या फिर आप उसे फ्राई कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, और आवाज भी देखिए आप कितनी क्रिस्पी आवाज आ रही है। इसे हम अब बाउल में निकाल देंगे। इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल का ब्रश लगाएंगे, लाल मिर्च पाउडर, सेंधा नमक और जीरा आलू। जीरा आलू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारा चना चकना। अब बनाएंगे चना दाल।
इवनली स्प्रेड कर देंगे इसको। और 15 मिनट का टाइम सेट करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। ऐसी आवाज आती है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। चलिए हल्का सा तेल लगा लेते हैं, जिससे कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी। ये गर्म है तभी ही हमें तेल और मसाले लगाने हैं। लाल मिर्च पाउडर, जीरा आलू, गरम मसाला और सेंधा नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जीरा आलू को बिल्कुल ही स्किप न करें आप, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम बनाएंगे मूंग की दाल, इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और 15 मिनट के लिए सेट कर देंगे। तो अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अब इसके ऊपर डालेंगे सेंधा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये कितनी अच्छी बनी है इसकी आवाज से ही हमें पता चल रहा है। तो लीजिए, तैयार है हमारे चारों प्रकार के चकने। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं हर आने वाली हमारी अपडेट को आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।